मेरा नाम है विशाल और आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मिस्टर धारुण्यावर। तो भाइयों, इस वाली वीडियो में मैं आपको एक कूलिंग सिस्टम बनाकर दिखाने वाला हूँ। ये जो कूलिंग सिस्टम है आपके बहुत सारे काम आने वाला है, जैसे कि आप फ्रिज बना सकते हो, एसी बना सकते हो या फिर कुछ अलग अपने दिमाग लगाकर कुछ भी बना सकते हो इस गर्मी के अंदर। तो इसको कैसे बनाते इस वाली वीडियो में मैं आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ। और भाइयों, मैं आपको फ्रिज भी बना के दिखाऊंगा, एसी भी बना के दिखाऊंगा, लेकिन वो सारी वीडियो हम बाद में बनाएंगे क्योंकि इसके ऊपर ही इतना लंबा वीडियो बन चुका है, लगभग 8 से 10 मिनट का, ताकि मैं आपको और चीज़ें नहीं इसके अंदर नहीं बना के दिखा पाया हूँ। तो हम चालू करते हैं, इसको बनाना सीखेंगे कैसे ये बनता है। और यकीन मानिए, इसका जो टेम्परेचर है वो -8 डिग्री से भी ज़्यादा चला जाता है। हमने कुछ इसको ट्राई करा था कुछ टाइम के लिए, अगर हम ज़्यादा ट्राई करते हैं तो और भी ज़्यादा इसका नीचे चला जाता है। तो इसको कैसे बनाते देखते हैं इस वाली वीडियो में। तो वीडियो चालू करने से पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, यहाँ पर मेरे पास दो बैटरी मॉड्यूल है, एक यहाँ पर है 15 एम्पियर का और एक यहाँ पर है 6 एम्पियर का, और दोनों का वोल्टेज सेम है 12 वोल्ट का। तो यहाँ पर इनका हम यूज करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो मैंने दो हीट सिंक लिए और इन दोनों को आपस में इस टाइप से चिपका के थोड़ी एक बड़ी साइज की हीट सिंक बनाई है। भाई, यहाँ पर पेल्टियर मॉडल की आपको सबसे पहले जानकारी दे देता हूँ मैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर मॉडल नंबर लिखा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो 12706 नंबर लिखा हुआ है। 12 का मतलब जो सामने की साइड में लिखा है 12 उसका वोल्टेज होता है, पीछे की साइड में जो 06 लिखा हुआ है इसका एम्पियर है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी टाइप से हमारा जो दूसरा पेल्टियर मॉड्यूल है इस पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो आप 12715 मतलब 12 वोल्ट है और पीछे की साइड में जो 15 है इसका एम्पियर है। तो भाई, यहाँ पर जो मॉडल नंबर लिखा हुआ है ये जो पार्ट होता है ये ठंडा होता है और पीछे की साइड में जहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर ये गर्म होता है। तो इन दोनों को हम यहाँ पर इस टाइप से अटैच कर देंगे, जो हमारा ठंडा वाला भाग है वो नीचे की साइड में रहेगा और ऊपर जो इसको गर्म होगा इसको ठंडा रखने के लिए, तो इनको ठंडा रखने के लिए यहाँ पर वाटर ब्लॉक है मेरे पास और ये ब्लॉक मैंने खुद ने बनाए। अगर आपको ऑनलाइन खरीदने तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, लेकिन अगर आप ऑनलाइन खरीदोगे लगभग आपको 600 रुपये के अंदर दो मिलेंगे और अगर घर पे बनाओगे तो 40 रुपये के अंदर घर के अंदर बन के तैयार हो जाएंगे। और इनका वीडियो अगर आपको देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखी है और अपने चैनल पर भी मिल जाएगा, तो आप जाइए फटाफट से इसको देख लीजिए कैसे घर पे बनाते हैं और अपने पैसे बचा सकते हो आप। तो इनको यहाँ पर ऊपर की साइड में इस टाइप से अटैच कर देंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर पानी जाएगा और गोल गोल घूमेगा, इसमें भी पानी जाएगा गोल गोल घूमेगा, वो ऊपर का जो भाग है उसको ठंडा रखेगा, नीचे वाला जो भाग है ये हीट सिंक ठंडी रहेगी पूरी की पूरी। जो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैं थर्मल ग्रीस का यूज़ करने वाला हूँ, ये आपको मिल जाएगा आपके जो कंप्यूटर रिपेयरिंग की जो शॉप होती है वहाँ पर मिल जाएगा, ये प्रोसेसर के अंदर लगाया जाता है। और अगर नहीं मिलता तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, वहाँ से आप परचेज। कनेक्शन किया है यहाँ पर, ठीक है, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो फर्स्ट पेल्टियर मॉड्यूल है इसका जो फर्स्ट वाला यहाँ पर जो नली लगी हुई है इससे हम यहाँ पर एक को कनेक्ट किया है और इसी को वापस हमने यहाँ पर जो दूसरा वाला पेल्टियर मॉड्यूल है उसके हमारे फर्स्ट वाले पाइप से हमने कनेक्ट कर दिया। तो मतलब जो हमारे दोनों पेल्टियर मॉड्यूल के जो वाटर ब्लॉक है इनों को फर्स्ट वाले को मैंने एक से कनेक्ट कर दिया इस टाइप से और दूसरे वाले जो है इन्हों से दूसरे से कर इस टाइप से। अब यहाँ पर क्या है कि हमारा जो पंप है वाटर पंप उसको हम यहाँ पर लगा देंगे।
सो गाइस फाइनली हमने यहाँ पर पंप को इस टाइप से अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर क्या है कि हमारा पंप यहाँ से पानी खींचेगा और यहाँ से पंप करेगा, तो जिससे यहाँ से हमारा टी जॉइंट है इन दोनों के अंदर चला जाएगा वाटर ब्लॉक के अंदर पानी, और यहाँ से इस टाइप से हमारा पेल्ट्री मोटर को ठंडा करेगा, इसको भी ठंडा करेगा, और यहाँ से दूसरे वाले से पानी हमारा निकल जाएगा गर्म वाला और यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक मैं नली लगा देता हूँ ताकि इसको हम यहाँ पर लगा देंगे, और इसी टाइप से हमारा जो पंप है उसके अंदर भी यहाँ पर एक नली लगा देते हैं हम। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो हमने मोटर को भी लगा दिया और इसकी वायरिंग भी कर दी है। अब यहाँ पर क्या इनका कनेक्शन कर लेते हैं। तो जितने भी हमारे सामान है जैसे कि देख सकते हो दोनों पेल्ट्री मॉड्यूल है, ये भी 12 वोल्ट पे वर्क करते हैं, हमारे पंप भी 12 वोल्ट पे वर्क करता है, तो इनको हम यहाँ पर क्या करने वाले पैरेलल कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट नहीं करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करने पर इनका वोल्टेज बढ़ जाएगा और अगर आप पैरेलल करेंगे तो इसका जो है एम्पियर बढ़ जाएगा, तो हमें यहाँ पर जो पावर सप्लाई है वो ज़्यादा एम्पियर की देनी होगी। तो मैं सप्लाई कहाँ से दूंगा मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी हमारे प्लस वाले वायर है उनको एक साथ कनेक्ट कर दिया और माइनस वाले एक साथ हमने कनेक्ट कर दिया, तो मतलब ये प्लस का हो गया है, ये माइनस का हो गया। तो गाइस फाइनली यहाँ पर पूरा इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हो कि जितनी भी वायरिंग थी और नली थी हमने सारी सारी लगा दी है। यहाँ पर हमारा एक इनलेट का और एक आउटलेट का पाइप हमारा हो चुका है, जिसको हम यहाँ पर कूलिंग के लिए पानी डालेंगे इसके अंदर। और यहाँ पर देख सकते हो जो वायर थे इनको मैंने एक साथ कनेक्ट कर लिया, मोटर के भी कनेक्शन कर दिए मैंने और सबके मैंने यहाँ पर पैरेलल में कनेक्शन किए। ठीक है, और एक लंबा वायर ले लिया है जिसमें हम यहाँ पर पावर सप्लाई देंगे एक के अंदर और सारा सिस्टम हमारा चालू हो जाएगा। तो इसके अंदर हमें पावर जो सप्लाई देनी है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी देनी होगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देख सकते हो एक 15 एम्पियर का एक पेल्ट्री मॉड्यूल है, एक 6 एम्पियर का है, तो 15 और 6 मतलब 21 एम्पियर तो हमारी ये हो चुके हैं। और इसके बाद मान लो कि 1 एम्पियर की भी होगी, मेरे को पता नहीं कितनी एम्पियर की हमारी मोटर है, लेकिन मान लो 1 एम्पियर की भी तो मतलब 22 एम्पियर का हमारा यहाँ पर पूरा हो चुका है। तो यार इसको जो हम बैटरी से या फिर कोई चार्जर से नहीं चला सकते हैं, इसके लिए या तो हमें पावर सप्लाई खरीदनी होगी जैसे कि अमेजन से खरीद सकते हैं, या फिर मैं आपको लिंक दे दूंगा वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर एक इन्वर्टर का जो बैटरी होती है उससे चलाकर दिखाने वाला हूँ। तो भाई यहाँ पर मैं सप्लाई देने के लिए यहाँ पर हमारी बैटरी इन्वर्टर की इसका यूज़ करने वाला हूँ। 150 एम्पियर की हमारी ये बैटरी है, तो इससे हम यहाँ पर कनेक्शन करेंगे। ठीक है, ये 12 वोल्ट की बैटरी और हमारे पेल्ट्री मॉड्यूल मोटर सब कुछ हमारा 12 वोल्ट का, तो ये आसानी से चला देगा इसको। तो इन दोनों को यहाँ पर इस टाइप से कनेक्ट करेंगे और हमारे यहाँ पर चल जाएगा। तो यहाँ पर हम पानी की सप्लाई भी इसके अंदर दे देते हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर क्या है कि दोनों पाइप को हम इसके अंदर डाल देंगे, इनलेट और आउटलेट के दोनों को, ताकि ये पानी को इसमें से कूलिंग करता रहेगा। अब इसको मैं थोड़ा उल्टा कर देता हूँ ताकि हम इसका टेम्परेचर माप सके कितना हमारा टेम्परेचर हो रहा है। भाई इसे चालू करने से पहले इसका जो टेम्परेचर हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, और उसके बाद ये जैसे जैसे चलेगा उसका टेम्परेचर भी हम यहाँ पर देखते रहेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास टेम्परेचर मीटर जो है उसको यहाँ पर मैं लगा देता हूँ इस टाइप से। तो भाई यहाँ पर टेम्परेचर आप देख सकते हो 33.8 हमारे यहाँ पर टेम्परेचर दिख रहा है, और यहाँ पर इसको मैं रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इसको चालू करते हैं। अब यहाँ पर इसको चालू करते हैं हम, ये देख सकते हो हमारा पानी इसके अंदर से आने स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर अब हमारा ये ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो यहाँ पर हम देखते हैं धीरे धीरे। Thank you.
अभी ठंड लगना स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि यार भाइयों ये जो टेम्परेचर चल गया था -8 डिग्री तक चला गया था। पानी जो जमता है वो 0 डिग्री से स्टार्ट हो जाता है जमना, लेकिन यार ये 8 डिग्री तक चला गया था, मतलब ये बर्फ़ आसानी से जमा सकता है। और इसको हम फ्रिज के अंदर लगा सकते हैं, एसी के अंदर लगा सकते हैं, या फिर हमें कुछ भी चीज़ बनाना हो गर्मी के अंदर, कूलिंग वाला उसके अंदर हम लगा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। इससे हम फ्रिज भी बनाएंगे, एसी बनाएंगे, वो नेक्स्ट वाली वीडियो में बनाकर दिखाने वाला हूं आप सभी को। तो इस वाली वीडियो को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, कुछ नया सीखने के लिए हो तो बताना मुझे कमेंट करके, हमें ये नया सीखने के लिए मिला हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय रे।